2000, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से एक राज्य बना, कौन सा बना? उत्तराखंड। ये आपको पता चल गया कब बना? 9 नवंबर 2000 को। कितने जिलों को अलग करके बनाया? 13 जिलों। अब बात करें कि ये 13 जिले कैसे थे, किस आधार पर किया गया, तो ये 13 जिले जो जिले थे पर्वतीय जिले थे। यानी मतलब पर्वतीय जिलों को, 13 जो पर्वतीय जिले थे उनको अलग करके उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को अलग करके बना। इसी 2000 सन में दो राज्य और गठित किए गए, परंतु वो विभिन्न राज्यों से, अलग अलग राज्यों से किए गए। जैसे बिहार से, किससे? बिहार से, झारखंड, झारखंड और मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से जो राज्य बना आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहाँ पर देखते हैं कि यह आपका 15 नवंबर 2000 को और यह आपका 1 नवंबर 2000 को। इसका 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ, उसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपका। यह 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा, जो मैं यह प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह झारखंड से संबंध रखते हैं। महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का भी गठन होता है और बिरसा मुंडा का ही 15 नवंबर को जन्म दिवस मनाया जाता है। अब हमने सभी नामकरण के बारे में बात कर ली, आगे हम बात करेंगे कि इसकी जो राजधानियां थीं उसमें भी समय समय पर परिवर्तित की गई और कब, कौन सी सन में राजधानी किसको कब बनाया गया। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और इसके बारे में अगर एक बार फिर से तुमको ध्यान में आवाना चाहूँ तो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश को जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाले हैं उसमें हैं, सबसे पहले पूछता है, अगर पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहले नाम वेदों में किस नाम से जाना गया, तो आप कहेंगे महर्षि देश के नाम से जाना गया। उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश आधिपत्य के समय सबसे पहले कब नाम में परिवर्तन किया गया, तो आप कहेंगे उत्तर पश्चिम प्रांत के रूप में 1836 को परिवर्तन किया गया। उसके बाद में अगर प्रश्न आपसे आता है कि उत्तर प्रदेश का नाम अवध, आगरा, उत्तर पश्चिम प्रांत कब रखा गया, तो आप कहेंगे 1877 में रखा गया। अगर आपको प्रश्न करता है कि उत्तर प्रदेश का नाम आगरा, अवध, संयुक्त प्रांत, तो आप कहेंगे 1902। अगर आपसे प्रश्न बनता है और पूछता है कि उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कब रखा गया, तो आप कहेंगे 1936, सॉरी 1937। किस अधिनियम के तहत रखा गया? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, तो 24 जनवरी 1950, और 24 जनवरी को ही स्थापना दिवस मनता है। कब से शुरू हुआ? 2018 से शुरू हुआ। ठीक है, तब मुख्यमंत्री तात्कालिक कौन, तो आप बताएंगे माननीय योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन, तो आप बताएंगे राम नाइक, नहीं सॉरी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम राजधानियों पे बात करते हैं।
राजधानी। तो जब राजधानी पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश की राजधानी बना तो वो था 1836 में आगरा। आगरा को 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया। उसके बाद में आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति होती है, 1857 की क्रांति होती है, और इस क्रांति के कारण ब्रिटिशों के हाथ पैर फूल गए और ब्रिटिश समझने लगे कि हमें राजधानी किसी ऐसे क्षेत्र में बनानी चाहिए जिससे हम सारे क्षेत्र को कवर कर सकें। तो 1857 की क्रांति में आपको पता होगा कि बैरकपुर छावनी में सबसे पहले मंगल पांडे द्वारा चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग करने से मना करने पर उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी जाती है। और उसके बाद में यह 1857 की क्रांति चिंगारी का रूप 10 मई 1857 को धारण करती है मेरठ से, जिसमें 85 स्वतंत्रता सेनानी ऐसे थे जिनको 3 कंपनियों द्वारा ब्रिटिशों ने कैद कर रखा था। उसी के विरोध में ब्रिटिश सदर बाजार के लोगों ने उस जेल को तोड़ा और वहां से सैनिकों को छुटाया। छुटाने के बाद उन सैनिकों ने एक क्रांतिकारी रूप धारण किया और उन्होंने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। तो क्रांति जो हुई उसके डर से ब्रिटिशों ने राजधानी कहां कर दी 1858 में। तब आपको पता होगा गवर्नर कौन था, कैनिंग। पूछता है इसीलिए बता रहे हैं मेन। तो कैनिंग 1858 में राजधानी आपकी आगरा से ले जाकर कहां कर दी गई, प्रयागराज। अब मैं बता चुका हूं आपको नामों में परिवर्तन होते रहते हैं समय समय पर। आज इसका प्रयागराज नाम है, पहले इससे पहले इसे क्या कहा जाता था, इलाहाबाद। इलाहाबाद किसने रखा, अकबर। कब रखा, 1575। इसे इलाहाबाद नाम नहीं रखा था अकबर ने, अकबर ने इसका नाम प्रॉपरली रखा था, जो वो नाम था इलाहाबाद, इलाहाबाद। इलाहाबाद का अगर अर्थ हम समझेंगे तो इसका अर्थ होता है अल्लाह का शहर। शहर, क्लियर, प्रयागराज। अब और सबसे पहले इसको कहा जाता था प्रयाग। अब भाई मुगल शासन आया तो अकबर आए, अकबर ने इसको प्रयाग को बदलकर इलाहाबाद किया और बोलचाल की भाषा में से लोग कहने लगे इलाहाबाद, इलाहाबाद हुआ। और वर्तमान में अब इसको क्या रख दिया गया, प्रयागराज। ठीक है, तो राजधानी आपकी 1858 में कौन बनी, प्रयागराज। आगे बात करते हैं, आगे राजधानी लखनऊ कब बनाया गया, आगे बनती है आपकी 1921 में राजधानी उत्तर प्रदेश की, जिसे आंशिक रूप से बनाया जाता है। आंशिक रूप से लखनऊ को राजधानी बनाया गया। उत्तर प्रदेश को आंशिक रूप से लखनऊ राजधानी कब बनाया, पूछता है कि उत्तर प्रदेश को आंशिक रूप से लखनऊ राजधानी कब बनाया, तो आप बताएंगे 1921। इसे स्थाई रूप दिया गया 1937, स्थाई कब किया गया, 1937 को। ठीक है, राजधानी के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। मैं पहले बोला कि उत्तर प्रदेश की